नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र, एथलेटिक्स कोच, और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 RM टेस्टिंग के बारे में, मतलब 1 RM, 1 रिपीटेशन मैक्सिमम टेस्ट के बारे में। आपने काफ़ी एथलीट्स देखे होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर, जो एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर साई एकेडमीज के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर इंडिया से बाहर जो टूर्स जाते हैं उनके अंदर आपने एथलीट्स देखे। आप किसी से भी पूछ के देखोगे तो सबसे पहले उनका 1 RM टेस्ट होता है, उसके बाद में उनके जो वेट ट्रेनिंग शेड्यूल होते हैं वो डिजाइन होते हैं। तो 1 RM है क्या? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 RM टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें बताने वाला हूँ, कैसे कैसे ये बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जाता है वो भी बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और मेरी वीडियोस हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड होती हैं, मतलब कि मैं वीडियो को पहले रिसर्च करता हूँ, चेक करता हूँ उसके बारे में, उसके बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और जो मैंने अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में फील किया है, जो अभी कोचिंग में फील कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 RM टेस्टिंग के बारे में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। 1 RM, 1 रिपीटेशन मैक्सिमम टेस्ट। तो इस टेस्ट का यूज़ जिनकी एज 6+ है और मिडल एज के जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स करते हैं, उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और ये मैं स्पेशली आज कोई एथलेटिक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये हर गेम के बारे में, हर गेम के अंदर वेट ट्रेनिंग होती है और उनके वेट ट्रेनिंग शेड्यूल डिज़ाइन होते हैं, तो वो 1 RM टेस्ट की हेल्प से ही होते हैं। एक जो मेथड है, जो आप नॉर्मली किसी भी स्टेडियम में जाओगे, आपको कोचेस कराते मिलेंगे, किसी को 20 किलो दे दिया, किसी को 30 किलो दे दिया, किसी को 40 किलो दे दिया, वो एक कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। जो परफेक्ट मेथड है वो 1 RM चेक करके उसके बाद में उनके ट्रेनिंग शेड्यूल डिज़ाइन करना, क्योंकि 1 RM टेस्टिंग की हेल्प से आप अपने एथलीट की परफॉर्मेंस को भी एनहेंस कर सकते हो, आप अपने एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। जब हम बात करते हैं एथलेटिक्स के अंदर आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, तो उनके अंदर जैसे कि आप बेंच प्रेस करा सकते हैं, आप पावर क्लीन करा सकते हैं, बैक स्क्वाट करा सकते हैं, और शोल्डर प्रेस करा सकते हैं। तो इस तरह के कई एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने एथलीट्स को करा सकते हैं। ये एथलेटिक्स के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हो गई, और भी कुछ चीज़ें हैं। और जैसे ही बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, तो उनकी भी कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो 1 RM टेस्ट होते हैं, उसके बाद में ही उनके जो कोचेज होते हैं, उनके जो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोचेज, तो उनका प्लान डिज़ाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोचेज ही डिज़ाइन करेंगे, उनके जो स्पेसिफिक कोचेज होते हैं गेम के कोचेज, वो भी डिज़ाइन करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आपने देखे होंगे आपकी जो स्टेट अकेडमीज हैं उनमें स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोचेज होते हैं। साई अकेडमी है, इंडियन टीम्स के साथ में स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोचेज होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है उनकी कंडीशनिंग कराना और उनके जो वेट ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं उन्हें डिज़ाइन करना। एथलीट्स का 1 RM चेक किया जाता है। एथलीट्स का 1 RM चेक करने के बाद में उसके बाद उनके जो शेड्यूल होते हैं वो डिज़ाइन करे जाते हैं कि इस एथलीट को 50% पे हमें वर्क कराना है तो ये ऐसे होगा, इसके लिए हमें ये एक्सरसाइज डालनी है तो ये ऐसे होगी, इस बच्चे की इस चीज़ में कमी है, ये इस चीज़ में कमज़ोर है तो इसको ये एक्सरसाइज करानी चाहिए। तो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोचेज का ये काम होता है, और वो अपना काम अपनी अपने काम को 1 RM की हेल्प से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा कि 1 RM टेस्ट किस किस बच्चे पे कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको 1 RM टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, किन किन चीज़ों का याद रखना है। जब भी आप 1 RM टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो तो याद रहे कि उससे पहले कोई भी इंटेंस वर्कआउट उसके 24 घंटे के अंदर ना हो, मतलब कि 24 घंटे के अंदर कोई भी हार्ड वर्कआउट नहीं होना चाहिए। और जब आप 1 RM टेस्ट लेते हैं, जैसे कि आपने आज लिया, तो आज के बाद कम से कम भी 5 से 6 वीक बाद आप दूसरा 1 RM टेस्ट ले सकते हैं। आप उसके बीच में जो इफेक्ट आता है उसे चेक करके आप दूसरा 1 RM टेस्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक वीक में लिया, फिर अगले वीक में ले लिया, फिर अगले, ऐसा ये एक परफेक्ट चीज़ नहीं है। बच्चे को इंजरी हो सकती है, क्योंकि जब 1 RM टेस्टिंग होती है तो उसमें 100% एफर्ट होता है। और आपने सुना होगा जब भी कोई वर्कआउट होते हैं तो वो हमें कभी भी 100% एफर्ट पे नहीं करने चाहिए, हमेशा 95-90% के एफर्ट पे हमें वर्कआउट फिनिश करने चाहिए। तो जब भी आपका 1 RM टेस्ट होता है तो आप अपनी मैक्सिमम पावर लगा देते हो, और मैक्सिमम पावर लगाने पे जो लास्ट आपका रिपीटेशन होता है उसके लिए आपको सपोर्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद समझ सकते हो कि जब भी आप इस वर्कआउट को कर रहे हो तो कम से कम भी 24 घंटे का आपका अच्छा रिकवरी होना चाहिए, मतलब कि इंटेंस वर्कआउट नहीं होना चाहिए। आपने कोई नॉर्मल वार्म अप किया है और आप शाम को अपना 1 RM टेस्ट दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। और 1 RM टेस्ट जब कंडक्ट हो रहा है तो तब आपको किन किन चीज़ों का याद रखना है।
जिस प्लेटफॉर्म पे 1RM टेस्ट हो रहा है, तो आप कोशिश करें वहां पे कम से कम भी 2 से 3 सपोर्टर, 2 से 3 सपोर्टर मतलब कि उसके जो पार्टनर, ट्रेनिंग पार्टनर है, वो साथ में रहें, क्योंकि 100% जब एफर्ट बच्चा देगा तो उसके साइड में बच्चे ऐसे होने चाहिए जो उसे लिफ्ट कर लें। अगर वेट गिरने वाला है तो उसे लिफ्ट कर लें, उसे कहीं इंजरी ना हो, उसे कहीं चोट ना लग जाए। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और जब आप वार्म अप करते हैं तो आप 2 तरीके से वार्म अप कर सकते हैं। जिस तरीके से एथलीट्स होते हैं, वो एथलीट्स वार्म अप के लिए जाते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ एबीसी एक्सरसाइज करते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, हर गेम के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है। एथलेटिक्स के लिए जब एथलीट करते हैं तो उनकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज अलग होती है, वेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो थोड़ा वार्म अप वेट के साथ करते हैं, वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज वो होती है। जब आप 1RM टेस्ट दे रहे हो तो आप कम से कम भी 40 से 50% पे अपना बॉडी वार्म अप कर लें। वार्म अप के लिए आप 8 से 10 रिपीटेशन, 5 से 7 रिपीटेशन लगा के आप अपना अच्छे से वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद में जब अपना आपका 1RM टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आपको याद रखना है, आपको अपने 3 to 7 अटेम्प्ट में ही अपने एम को अचीव करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। और जब आप 1RM टेस्ट ले रहे हैं तो कोशिश करें अपनी अपर बॉडी पे 5 to 10% और लोअर बॉडी पे 10 to 20% लोड इंक्रीज करें। और याद रहे, एक रिपीटेशन से लेके दूसरी रिपीटेशन के बीच में आपका, एक अटेम्प्ट से लेके दूसरे अटेम्प्ट के बीच में आपका जो रेस्ट रहेगा वो 1 से 5 मिनट का रहेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जब भी आप 1RM टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो इन चीजों का आपको याद रखना है जब भी आप 1RM टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। फिर से मैं आपको एक बार और बोलता हूँ, जब भी आप 1RM टेस्ट कंडक्ट कराते हैं आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आप अपने बच्चे का 100% चेक कर रहे हो। 100% जब बच्चा देता है तो इंजरी के चांसेस 99% होते हैं कि उसे इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आप अपने सपोर्टर्स, आप उनके ट्रेनिंग पार्टनर्स साथ में रखें, ताकि जब भी वेट गिरे तो उसे उठा ले। तो जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, यह है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।